प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और खतरनाक वीडियो में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। जी हां दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फकीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे, और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते, और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं, और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहां से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वो फकीर व मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता, और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता दुआ करता, तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में यह भी जो फकीर थे, वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में यह निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए, तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलां जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में, और भीड़ में ही खाना वाना खाकर यह चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है, और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े, और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी, और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है, और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है, और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर, वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहां लोगों को भेज देता है, और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूं और खाना खाकर जाने दे देता हूं, ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहां पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूं कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, यहां पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूं,
और मैं चाहता हूं कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है, और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है, और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजल कर्म से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूं कि वह यहां पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूं। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर यह साई लाते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वह आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुतकरे नहीं अगर हैं तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजरत तलब कर ले, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है या अल्लाह। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकते अता फरमा, या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकते अता फरमा, या अल्लाह तू उन्हें जायज रिजक कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर ले, और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दे, ताकि इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।